And that's why it's actually fake. यहाँ पर हुआ है, मैंने देखा है कि पहली बार इस तरह का जो यहाँ उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ गांव के जो लोग हैं, आजकल गाड़ियाँ भी नहीं चलती हैं, कहीं डॉक्टर के पास जा भी नहीं सकते हैं, तो इस तरह खोज ने जो इंतज़ाम किया कि डॉक्टर को ही लोगों के पास लाया यहाँ पर, और यहाँ पर हर तरह के डॉक्टर्स मौजूद हैं। आप देख रहे हैं हर जगह खेमे लगे हुए हैं, अलग अलग से डॉक्टर हैं, स्पेशलाइज डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने जो पेशेंटों को अच्छी तरह से देखा, मैंने खुद भी उसकी जांच की, मैं खुद भी मीडिया से काम करता हूं और मैंने तो खूब मुशाहिदा किया कि यहां पे बहुत अच्छी तरह से इलाज हो रहा है और दवाइयां भी मुफ्त दी जा रही हैं। मैंने भी खुद अपने लिए भी कुछ दवाइयां ली यहां से और बहुत अच्छी तरह से पेश आ रहे हैं लोगों के साथ। इस तरह के जो मेडिकल कैंप्स हैं इनकी आज ज़्यादा इफादियत है, क्योंकि इस तरह जो लोग बेचारे घरों में बैठे हुए हैं, कहीं चल फिर नहीं सकते, डॉक्टरों के पास जा नहीं सकते, उनके पास डॉक्टरों का जाना ये एक बहुत बड़ी बात है, अपने अंदर इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। हम इसकी सराहना करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं फौज के कि जिन्होंने इस तरह का इंतज़ाम करके यहाँ के लोगों को ये सहूलियत मिला। सबसे पहले मैं आप मीडिया कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इंडियन आर्मी का भी ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, ये कुटलेरी में ऑर्गेनाइज़ किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पेंडेमिक के दौरान जो लोग हंदवाड़ा नहीं जा सकते थे, यहाँ कलम चकला नहीं जा सकते थे, उनको यहाँ पर सब उन्होंने डॉक्टर भी दस्तयाब करवाए और मेडिसिन भी दस्तयाब कराए, और उसके साथ साथ उन्होंने वेटनरी का भी प्रोग्राम यहाँ पर किया था और उसके लिए भी उन्होंने मेडिसिन दिया है, वेटनरी मेडिसिन दिया है। आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में और ऐसे कैंप्स? हाँ, हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में और ऐसे भी प्रोग्राम होने चाहिए और जिससे लोगों और आम सिविलियन और फौज के दरमियान आपस में रابطہ बढ़ जाए। और मेरे गांव में आपका सिविलियन के लिए एक मेडिकल कैंप। कोविड क्या हो वन से बेटा ये है ना बच्चे का अल्बेंडो जो सिर्फ पिला दे जी। देखिए जी, आज का जो ये मेडिकल कैंप हो रहा है ये यहाँ मावर इलाके में कुटलेरी में हो रहा है, जो एक फार फ्लंग एरिया है, तो ये 30RR लंगेट की वसादत से हो रहा है। तो ये हमेशा आर्मी या एनजीओज मेडिकल कैंप्स करते रहते हैं फार फ्लंग एरियाज, तो इट्स एन पार्ट ऑफ दैट मेडिकल कैंप, इट्स नॉट दैट आर्मी करती है, सब लोग करते हैं, तो इट्स एन पार्ट ऑफ दैट। सो हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा से आए हैं
पार्ट ऑफ आवर मेडिकल टीम इज़ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंडवारा। तो बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हम लोगों को ये कैंप्स अटेंड करने पड़ते हैं, ये लोग हमें रिक्वेस्ट करते हैं तो हम लोग कैंप्स अटेंड करते हैं। तो उसी की वजह से हम लोग आज यहाँ पे आए हैं और हम लोग पेशेंट्स देख रहे हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमने अभी तक देख लिए, अभी भी देख रहे हैं, काफ़ी सारे पेशेंट्स आए, बहुत सारे टाइप्स के पेशेंट्स आ रहे हैं, तो अभी तक हम देख रहे हैं पेशेंट्स। तो एक अच्छी चीज़ है, लोगों को फ़ायदा होता है, ये फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, इनको एडवाइस मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो अभी तक चल रहा है काम।